आपके सामने चुस्त और मुस्तैद चाल से अपने मन में असीम उल्लास लिए कर्नल भोगी की धुन पर मात करता हुआ अग्निवीर पोस्ट नंबर 1 का कंटिजेंट आ रहा है। आज के दीक्षांत परेड समारोह में 801 अग्निवीर हिस्सा ले रहे हैं। आगे चलने वाले पायलट हैं दाहिने अग्निवीर सेक्शन कमांडर विजय कुमार और बाएं अग्निवीर सेक्शन 2IC राहुल सिंह थापा। आज के परेड कमांडर हैं कंपनी अग्निवीर कैप्टन कौशिक कुमार और इस शानदार परेड के पीछे कदम से कदम मिलाता हुआ आ रहा है मिलिट्री बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार अशोक कुमार। जम्मू और कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट ने स्वाधीनता के पश्चात सन 1962 में भारत चीन युद्ध 1971 में भारत पाक युद्ध श्रीलंका में ऑपरेशन पवन JNK व नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत तथा 1999 में हुए कारगिल युद्ध में अपनी प्रशस्तता रणवीरता का परिचय दिया है। स्वाधीनता के पश्चात सन 1956 में चार जैकल फतेह शिवजी ने पंजाब के हुसैनी लड़ी। इस युद्ध में लायंस नायक सुंदर सिंह को अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देने पर देश के सर्वोच्च शांतिकाल बहादुरी पदक अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हुसैनी वाला में फतेह शिव जी के बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर भारत सरकार ने 1 जनवरी 1957 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस को भारतीय सेना में पूर्ण रूप से शामिल करने का निर्णय लिया। जैक राइफल्स ने अपनी बहादुरी का लोहा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी मनवाया है। 6 जुलाई 1981 को सेकेंड लेफ्टिनेंट साइरस एडी पीठावाला ने अपनी कंपनी के साथ मणिपुर के टेकम गांव में कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन का नेतृत्व किया। अपनी सैन्य कुशलता का परिचय देते हुए 7 विद्रोहियों को मार गिराया जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मुख्य नेता विशेश्वर सिंह को जीवित गिरफ्तार किया। अपनी इस बहादुरी के लिए
उन्हें सर्वोच्च शांतिकालीन बहादुरी पदक अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। सन 1999 की गर्मियों में पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियां और नियमित सेना ने हिंदुस्तान को एक और युद्ध की ओर धकेल दिया। घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा पार कर उत्तरी कश्मीर को अलग थलग करने के उद्देश्य से जीवन रेखा समझे जाने वाली सड़क नेशनल हाईवे 1 अल्फा से सटी हुई ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया। कारगिल युद्ध के दौरान हमारी रेजिमेंट की 13 जैकलिफ को 0.4875 और एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने का टास्क मिला। लीडिंग कंपनी के कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी टोली के साथ 0.4875 पर जोरदार हमला बोला और दुश्मन को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस हमले के दौरान वे बुरी तरह जख्मी हुए और 5 जुलाई 1999 को शहीद हो गए। अपने अदम्य साहस और सर्वश्रेष्ठ वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च बहादुर पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसी युद्ध के दौरान 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन अब सुबेदार मेजर संजय कुमार ने इलाका फ्लैट टॉप पर कब्जा करने जा रही टोली में लीडिंग स्काउट बनने के लिए वॉलंटियर किया। राइफलमैन संजय कुमार ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बहादुरी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया और अंत में अकेले ही लड़ते हुए दुश्मन के एलएमजी बंकर को बर्बाद कर इलाका फ्लैट टॉप पर तिरंगा लहराने में कामयाबी हासिल की। इस असाधारण साहस शौर्य एवं कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च बहादुरी पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान हमारे जवानों ने शौर्य और बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। ऑपरेशन विजय में जम्मू और कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट द्वारा अर्जित विजेता पदक इस प्रकार से हैं: 2 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र, 14 सेना मेडल, 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड और 7 जीओसी इनसी कमेंडेशन कार्ड। परेड को अब इंतजार है कर्नल भानु प्रताप सिंह, कमान अधिकारी, प्रशिक्षण बटालियन जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का। कर्नल भानु प्रताप सिंह ने सन 1999 में सिंबायोसिस लॉ कॉलेज पुणे से पीएसएल की डिग्री हासिल की। सन 2000 में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात 2 सितंबर 2000 को 1 जैकरिप में कमीशन प्राप्त किया। आपने अपने सर्विस के दौरान हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, लाइन ऑफ कंट्रोल और काउंटर इंसर्जेंसी जैसे क्षेत्रों के साथ साथ यूएन मिशन में बतौर शांति सेना में भी कार्य किया। आप अपने सैन्य कार्यकाल के दौरान कई अहम पदों पर कार्यरत रहे जिसमें GSO2 इंट हेडक्वार्टर 167 इन्फेंट्री ब्रिगेड और AQMG हेडक्वार्टर 9 इन्फेंट्री डिव और हेडक्वार्टर 37 इन्फेंट्री ब्रिगेड शामिल हैं। आपकी कुशल सैन्य दक्षता के अनुरूप आपको जनवरी 2003 में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमेंडेशन कार्ड तथा अप्रैल 2008 में फोर्स कमांडर सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन के प्रशंसा पत्र से भी सम्मानित किया गया। जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में प्रशिक्षण बटालियन कमान अधिकारी का पदभार संभालने से पहले आप 6 जैकरिप में बतौर कमान अधिकारी के पद पर सुशोभित रहे। परेड पर आने वाले अधिकारी हैं कर्नल भानु प्रताप सिंह,
कमान अधिकारी प्रशिक्षण बटालियन जम्मू एवं कश्मीर राइफल रेजिमेंटल सेंटर। विशिष्ट सेवा मेडल ने 6 मार्च 1993 को आर्ट जैकलिफ में कमीशन प्राप्त किया। आर्ट जैकलिफ में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए आपने बटालियन को 4 कमांड किया। 82 माउंटेन ब्रिगेड में डेप्टी कमांडर और विदेश सेवा के लिए यूएन मिशन कांगो में भी सेवारत रहे। आपको इन्फेंट्री स्कूल और आर्मी वॉर कॉलेज के दौरान विभिन्न विंग्स में अनुदेशन का विभिन्न अनुभव प्राप्त है। अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए आपको एक बार जीओसी इन सी ईस्टर्न कमांड और 2 जीओसी इन सी नदर कमांड प्रशंसा पत्रों के साथ साथ विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान में 11 अप्रैल 2022 से आप जैक आरआरसी में डेप्टी कमांडेंट के पद को सुशोभित कर रहे हैं। परेड पर आने वाले अधिकारी हैं कर्नल अनिल देव स्वामी, विशिष्ट सेवा मेडल डेप्टी कमांडेंट जम्मू एवं कश्मीर राइफल रेजिमेंटल सेंटर का। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का ब्रिगेडियर राजेश शर्मा कमांडेंट जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर ने सेंट जेम्स स्कूल कलकत्ता से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की तथा सन 1990 में जेएनयू से बीए की डिग्री हासिल की। एनडीए खड़कवासला तथा भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात 14 दिसंबर 1991 को फोर्ट जैकरिट में कमीशन प्राप्त किया। आपने 1999 में हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल सिकंदराबाद से हेलीकॉप्टर पायलट कोर्स और उसके पश्चात 10 साल तक आर्मी एविएशन कोर में सर्विस की। आपने अपनी सर्विस के दौरान हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, लाइन ऑफ कंट्रोल और काउंटर इंसर्जेंसी जैसे क्षेत्रों में कार्य किया। रेजिमेंटल ड्यूटी महत्वपूर्ण स्टाफ अपॉइंटमेंट्स पर रहे जिसमें MS2 GOC 2 कोर, आर्मी वॉर कॉलेज में MA2 कमांडेंट, RR डायरेक्टरेट में एडिशनल ऑफिसर के पद शामिल हैं। आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड, जीओसी इनसी नॉर्दर्न कमांड, जीओसी इनसी ईस्टर्न कमांड एवं
जीओसी इनसी आर्मी ट्रेनिंग कमांड के कमेंडेशन कार्ड से भी सम्मानित किया गया। जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट के पदभार संभालने से पहले आप 66 माउंटेन ब्रिगेड भीनागुड़ी में ब्रिगेड कमांडर के पद पर सुशोभित रहे। रक्षक दल के कमांडर हैं अग्निवीर सेक्शन कमांडर अभिषेक, जिनके दाहिने अंगरक्षक हैं अग्निवीर सेक्शन 2IC सौरभ सिंह और बाएं अंगरक्षक हैं अग्निवीर सेक्शन 2IC तरुण शर्मा। आप सभी से अनुरोध है रेजिमेंट ध्वज के सम्मान में कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जब परेड रेजिमेंटल ध्वज को सलामी दे तब सभी वर्दीधारी सल्यूट करें।
परेड कमांडर के बढ़ते कदम ये एहसास दिलाते हैं। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत वतन की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। श्रीवान अग्निवीर कौशल ब्रेक और स्वयं अग्निवीर ब्रेड पर ब्रेड निक्चर क्लेप अजरब जजब नंबर एक प्लानु कलर बाकी ब्रेड वेस्ट आर्मी कक्षा पास करके जम्मू एवं कश्मीर राइफल रेजिमेंटल सेंटर से 31 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के पश्चात जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में शामिल। इन्होंने ट्रेनिंग के दौरान डेल्टा कंपनी नंबर एक प्लटून के प्लटून कमांडर, कैप ट्रेनिंग के दौरान सेक्शन कमांडर और अग्निवीर कैप्टन जैसे अहम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। Let's go!
गए चाल से अग्निवीर धुन की धुन पर मार्च कर रही है। इन जवानों का जोश इन पंक्तियों को याद दिलाता है। चल मर्दाने सीना ताने, हाथ मिलाते पांव बढ़ाते मन मुस्काते गाते, एक हमारा देश हमारा देश हमारी कौम हमारी मंजिल। आप कितने बहरे जन मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते पांव बढ़ाते मन मुस्काते गाते की, हम भारत की अमर जवानी सागर की लहरें ला साली, गंगा जमुना की निर्मल पानी हिमगिरी की ऊंच पेशानी, सबके प्रेरक रक्षक भी। जन मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते पांव बढ़ाते मन मुस्काते गाते, जटते वक्त पर जो ना रुकेगा जो ना झुकेगा जो ना मुड़ेगा उसका जीवन उसकी जीत। जन मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते पांव बढ़ाते मन मुस्काते गाते जी। अब कदम कदम बढ़ाए जा की धुन पर मार्च कर रही है और कुछ ही समय में सलामी मंच से गुजरेगी। आप सभी से अनुरोध है तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई करें। जब ध्वज आपके सामने से गुजरे तो कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दी धारी सल्यूट करें। नंबर दो कदम का नेतृत्व कर रहे हैं बटालियन अग्निवीर ओएसी ब्रिगेड। नंबर तीन कदम का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी अग्निवीर सुमित कुमार। नंबर चार कदम का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी अग्निवीर अंकुश कुमार। नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी अग्निवीर सेक्शन कमांडर अभिषेक। नंबर पांच कदम का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी अग्निवीर हरीश कुमार। नंबर छह कदम का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी अग्निवीर आयुष। नंबर सात प्लटून का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी अग्निवीर मोहम्मद ईशान। नंबर आठ प्लटून का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी अग्निवीर विक्रांत सिंह। और अब सलामी मंच से गुजर रहा है जम्मू एरो कश्मीर
जम्मू एवं कश्मीर रेजिमेंट भारतीय सेना की उच्च सम्मानित रेजिमेंट में से एक है। रेजिमेंट ने आजादी के पश्चात 2 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 5 महावीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र, 44 वीर चक्र, 48 शौर्य चक्र हासिल किए। 200 साल के स्वर्णिम इतिहास में ऐसा कोई युद्ध या ऑपरेशन नहीं है जिसमें जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट ने हिस्सा ना लिया हो। रेजिमेंट को आजादी पूर्व 20 और आजादी के पश्चात 8 बैटल ऑनर से सम्मानित किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को मेडल प्रदान किए जाते हैं। ये अग्निवीर अब मंच के पास आकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय से मेडल प्राप्त करेंगे। अब मैं माननीय जोरावर मेडल और कमड़ा रोलिंग ट्रॉफी फॉर बेस्ट इन बैच अग्निवीर कैप्टन अभिषेक कौंडल वन जैकर कटोच मेडल फॉर सेकंड बेस्ट इन बैच अग्निवीर कैप्टन फरमान अहमद सेवन जैकर राजेंद्र सिंह मेडल फॉर बेस्ट इन डीपीईटी अग्निवीर 2IC कैप्टन अमन राजा 18 जैकर
शेर जंग थापा मेडल फॉर बेस्ट इन ड्रिल कंपनी अग्निवीर कैप्टन कौशिक कुमार वन जैकेट। विक्रम बत्रा मेडल फॉर बेस्ट इन फायरिंग अग्निवीर कैप्टन जजवीर सिंह 21 जैकेट। कर्नल ऑफ द रेजिमेंट बेस्ट इन कंपनी मेडल अग्निवीर सेक्शन कमांडर करणजीत सिंह 10 जैकेट। अग्निवीर सेक्शन कमांडर अभिषेक कुमार 5 जैकेट। अग्निवीर कैप्टन जतिन कुमार 19 जैकेट। अग्निवीर सेक्शन कमांडर साहिल 4 जैकेट। अग्निवीर प्लाटून कमांडर वीरेंद्र सिंह 2 जैकेट। अग्निवीर प्लाटून कमांडर विकास ठाकुर 4 जैकेट। आज दिए गए मेडल व प्राइजेस ना केवल प्राइज विनर के लिए बल्कि पूरे अग्निवीर कोर सीरियल नंबर 1 के लिए एक प्रेरणा है कि उन्हें अपने शुरू होने वाले फौजी जीवन में अच्छे काम करते रहना है और अपनी पलटन रेजिमेंट और भारतीय सेना का नाम हमेशा ऊंचा रखना है। अब मैं ब्रिगेडियर राजेश शर्मा कमांडेंट जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंटल सेंटर से। जय हिंद। पंजाब परेड ग्राउंड में उपस्थित ऑफिसर्स जेसीओस बहादुर जवान हमारे चीफ अग्निवीर एनसीसी के बच्चे और बाकी सभी आमंत्रित गेस्ट, आज का दिन भारतीय वायुसेना के इतिहास में गौरवशाली स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। अग्निपथ योजना के तहत चयनित प्रथम वायुसेना अग्निवीरों को मेरे हाथ एक शुभकामनाएं। मैं इन तरुण अग्निवीर जवानों की प्रथम पासिंग आउट परेड का साक्षी हूं और ये कहते हुए गौरवान्वित हूं कि मैं इन्हें बड़े प्रशिक्षण के बाद नई ऊर्जा उत्साह उमंग और जज्बे को महसूस कर रहा हूं। सैन्य प्रशिक्षण के दौरान आपकी अद्भुत मेहनत अनुशासन और साहस के जो गुण आप निरूपित किए गए हैं वे पासिंग आउट परेड में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर के अनुभवी ट्रेनिंग स्टाफ और सैन्य कर्मियों को बधाई देता हूं जिनके तकनीकी शारीरिक मानसिक परिश्रम और मोटिवेशन से आप सभी के सैन्य कौशल और अनुशासन में अभिवृद्धि हुई है।
आपके ये गौरवशाली यात्रा से क्रिकेट ने अपने कठोर मानसिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से आप अधिकारियों को सैन्य कुशलता से निपुण और ठोस बनाया है। ट्रेनिंग बटालियन धन्यवाद का पात्र है जिन्होंने जोश जज्बा और जुनून से सराबोर आप अधिकारियों को अपने ट्रेनिंग कौशल में प्रशिक्षित किया है। इस अवसर पर मैं इन अभिनीत जवानों के माता पिता और परिवार का तहे दिल से आभारी हूँ जिन्होंने अपने लाडले पुत्रों को अभिनीत के रूप में सेना में भेजकर राष्ट्र और मातृभूमि को समर्पित किया है। आपके पुत्रों ने एक योद्धा के रूप में सैन्य वर्दी पहनकर अग्निपथ मार्ग का अनुसरण कर अग्निवीर बनकर राष्ट्र रक्षा की जो स्वागत खाई है वह इतिहास में एक विशाल कमी कायम रही। अग्निवीर जवान के रूप में चयनित आपके ये सबूत आगामी दिनों में सैन्य निपुण योद्धा साबित होंगे और आने वाले भविष्य के अग्निवीरों के चयन में प्रेरक और मार्गदर्शक का काम करेंगे। आप सभी अग्निवीर अभिभावक उस नींव के पत्थर साबित होंगे जिस पर भारतीय सेना गर्व करेगी। आप अभिभावकों का इस नाते पुनः आभारी हूं कि वे सैन्य आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक स्वरूप राष्ट्र की सीमाओं से सजग प्रहरी बन राष्ट्र के लाभ निर्माण में अपना योगदान देने जा रहे हैं। मुझे विश्वास और भरोसा है कि शारीरिक मानसिक और आत्मिक रूप से बहुरंगी तरुण योद्धा अखंड भारत के सजग प्रहरी के रूप में अपने कर्तव्य और दायित्व का परिपालन करेंगे। अपनी मातृभूमि की रक्षा के खातिर जिस कैरियर को चुना है वह अतुलनीय विशेष और अहमियत रखने वाला है। आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि आप आगे चलकर विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी गौरवशाली थल सेना के परिवार में शामिल हो गए। भारतीय सेना केवल आपको नौकरी नहीं दे रही है बल्कि संपूर्ण विकास और श्रेष्ठ नागरिक बनने में भी आपकी सहायता कर रही है। सेना आपको सम्मान देगी और राष्ट्र आपको स्नेह। आप शान से इस कैरियर को अपनाएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ट्रेनिंग के दौरान अनुशासन, आत्मविश्वास, साहस, समय का पालन, राष्ट्र प्रेम जैसे गुण प्रशिक्षण के दौरान आपने अनुभवित हुए हैं। जीवन के प्रत्येक मुकाम पर आपका स्वाभिमान दिखने नहीं देंगे। आप अपने कर्तव्यों और सेवा आदेशों का शत प्रतिशत पालन करें। करोड़ों भारतवासियों की आंखें आप पर टिकी हुई है। सारा भारतवर्ष अग्निवीरों के प्रथम मैच को आशा भरी नजरों से देख रहा है। आपको उनकी उम्मीदों और कसौटियों पर खरा उतरना है। अंत में मैं आज के इस परेड का सुविधा राजेश और उनकी टीम और परेड कमांडर और विभिन्न अवॉर्डीज के विजय पदक हासिल करने वाले अग्निवीरों को बधाई और शाबाशी देना चाहता हूं। जय हिंद।
चले कच को जब बच्चे बच्चे आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जब परेड रेजिमेंटल ध्वज को सलामी दे तब सभी भर्तीदारी सल्यूट करें। जम्मू एवं कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर से विदाई देने जा रहे परेड अब धीमी गति से ऑल ब्लैक स्टेट की रोड पर परेड मैदान को छोड़ने के लिए मार्च कर रही है। इन वीरों के दिल से एक ही आवाज आती है, मेरी जान भारत माता पर हो जाऊं मैं कुर्बान, मेरा सब कुछ मेरा देश। औपचारिक विदाई लेने जा रहे हैं। धीमी गति से मार्च करते ये वीर मुख्य द्वार से पहला कदम को रखते से सलामी मंच से गुजर रहे हैं। पहला कदम एक दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है। ये पहला कदम स्वागत करता है नौजवान जवानों के लिए एक ऐसा भविष्य जहां बलिदान की जीवन का सार है। अग्निवीर कोष नंबर एक दिनांक 1 जनवरी 2023 को भी प्रारंभ हुआ था और 30 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद आज पासआउट होने जा रहा है। आज पासआउट होने वाले सभी जवानों के लिए ये बड़ी खुशी और गर्व का दिन है। अपनी ट्रेनिंग के दौरान इस कोर्स ने ट्रेनिंग के हर क्षेत्र में ऊंचे दर्जे का प्रदर्शन किया। समारोह का समापन अग्निवीर कोर सीरियल नंबर 1 से पास आउट हुए जवानों को समर्पित इन पंक्तियों में करता हूं। दिल में तू मानो की टोली और नसों में इंकलाब, दिल में तू मानो की टोली और नसों में इंकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना, दूर रह जाए जो हमसे दम कहां मंजिल में है, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अब ना अगले वलवले हैं और न अरमानों की भी, अब ना अगले वलवले हैं और न अरमानों की भी, एक मिट जाने की हसरत
अब दिले बिस्मिल में है। ऐ शहीद है मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम हक तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, हाथ जिस में है जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भर के राज शोला सा हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। हम तो घर से ही के निकले बांध कर सर पर कमर, जहाँ हथेली पर लिए लोग बस चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी महिमा मौत की महफिल में है, आज का ऐतिहासिक दिन इनके माता पिता और परिजनों के लिए भी काफ़ी खुशी और गर्व से भरा हुआ है, जिन्होंने देश सेवा और देश प्रेम की भावना को दिखाते हुए देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है। हर अग्निवीर का ये सपना होता है कि वे कब अपनी देश शुरू करने के बाद इस पहला कदम वाली स्थिति पर कदम रखें और पाकर होकर अपनी यूनिट सेना और अपने देश की सेवा में जुट जाए। अलग अलग यूनिटों में पोस्टिंग जाने के बाद इन अग्निवीरों को हमारे देश के अलग अलग इलाकों में जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, काउंटर इंसर्जेंसी और लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे इलाकों में सेवा करने का मौका मिलेगा, और यूनिट में अनुभवी सैनिकों के साथ काम करने के बाद आपको एक अपनेपन का एहसास होगा, और ये एहसास भी आपको अपने स्वयं के जीवन में हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, और हर अग्निवीर को ये एहसास दिलाता रहेगा कि हमारा जीवन देश के लिए समर्पित है। एक सैनिक में अनुशासन की नींव रखने का काम करते हैं।